हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी वुड में। आज हम करेंगे बॉलीवुड मूवी भेड़िया के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जो कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भेड़िया मूवी को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी और वहीं पर 92% गूगल यूजर्स ने मूवी को लाइक किया था। भेड़िया मूवी को डायरेक्ट अमर कौशिक ने किया था, साथ ही में इस मूवी को प्रोड्यूस दिनेश विजान ने किया था। मूवी को रिलीज 25 नवंबर 2022 को 2500 स्क्रीन्स के साथ पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था। मूवी की स्टार कास्ट में हमें वरुण धवन और उनके अपोजिट एक्ट्रेस कृति सेनन देखने को मिली थी। तो चलिए अब बात करते हैं भेड़िया मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में। तो मूवी को जियो स्टूडियो ने 45 करोड़ रुपीस में खरीदा। मूवी के जो OTT प्लस सैटेलाइट राइट्स है उसको 80 करोड़ रुपीस में सेल किया गया था और इसी के साथ मूवी का जो टोटल प्री रिलीज बिजनेस रहा था वो 125 करोड़ रुपीस का रहा था और इसी के साथ मूवी के मेकर्स ने 40 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न कर लिया था। तो चलिए अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो मूवी ने अपने पहले दिन 7 करोड़ 48 लाख रुपीस का कलेक्शन किया। मूवी ने अपने दूसरे दिन 9 करोड़ 57 लाख रुपीस का कलेक्शन किया और मूवी ने अपने तीसरे दिन 11 करोड़ 50 लाख रुपीस का कलेक्शन किया था और इसी के साथ भेड़िया मूवी का जो फर्स्ट वीक कलेक्शन रहा था वो 42 करोड़ 5 लाख रुपीस का रहा था। मूवी ने जो इंडिया में नेट कलेक्शन किया वो 68 करोड़ रुपीस का रहा था। मूवी का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन रहा वो 80 करोड़ 24 लाख रुपीस का रहा था। मूवी के अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करें यानी इंडिया के बाहर, तो मूवी ने 50 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया और इसी के साथ भेड़िया मूवी का जो लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था वो 95 करोड़ 30 लाख रुपीस का रहा था। मूवी के बजट और वर्डिक्ट बताने से पहले, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही बॉक्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में। तो भेड़िया मूवी का जो गूगल पे बजट था वो 60 करोड़ रुपीस का था, वहीं पर मूवी का जो ऑफिशियल साइट पर बजट था वो 85 करोड़ रुपीस का था। मूवी के अगर वर्डिक्ट की बात करें यानी हिट और फ्लॉप के बारे में, तो मूवी का जो गूगल पर बजट था 60 करोड़ रुपीस और मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 95 करोड़ 30 लाख रुपीस का, उस हिसाब से मूवी को एवरेज का टैग मिला। मूवी के अगर ऑफिशियल वर्डिक्ट की बात करें तो मूवी का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था 95 करोड़ 30 लाख रुपीस का, उस हिसाब से ऑफिशियल साइट पर मूवी को फ्लॉप का वर्डिक्ट मिला था।